हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। घर की सही जगह पर रख दे ये एक माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़, जिससे दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की मिलेगी। ये उपाय आप ज़रूर से आजमाइएगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मित्रों कि माँ लक्ष्मी की उन पर हमेशा कृपा बनी रहे। इसके लिए कई तरह के उपाय करते हैं। वास्तुशास्त्र में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ बातों पर जोर दिया गया है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी की कृपा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपायों के बारे में हमें बताया गया है। माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों को अगर घर की सही दिशा में रख दिया जाए तो उनकी कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों, उनका प्रिय शंख भी शामिल है उनकी प्रिय चीज़ों में। मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शंख कई प्रकार के होते हैं। इनमें दक्षिणावर्ती शंख विशेष है। इनकी नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। बता दूं मित्रों कि वैसे तो शंख को घर के पूजा घर में रखना शुभ माना जाता है। पूजा के समय शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आइए मित्रों, जानते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख के फायदे और सही दिशा के बारे में। इसकी कौन सी दिशा सही है, कहाँ पे इसको रखना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। माँ लक्ष्मी का भाई है दक्षिणावर्ती शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी शंखों में दक्षिणावर्ती शंख सबसे खास है। बता दूं मित्रों कि जहाँ सभी शंख का मुख बाईं ओर खुलता है, वहीं दक्षिणावर्ती शंख दाईं ओर खुलता है। इस शंख को दिव्य माना गया है। मान्यता है कि इस शंख की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक कथा के अनुसार इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी माना गया है। कहते हैं मित्रों कि जहाँ यह शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। अब मित्रों बात करते हैं कि इस शंख को हमें कैसे रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखने और इससे पूरे घर में छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नियमित रूप से पूजा करते समय शंख को भी धूप दीप दिखानी चाहिए, इससे घर में सकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी हमारे घर में प्रवेश करती है और माँ लक्ष्मी खुश होती है। दक्षिणावर्ती शंख को घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के पास रखना चाहिए। इसे हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखें। इसमें गंगा जल और कुश रखने चाहिए। इसके बाद किसी आसन पर बैठकर ओम श्रीम लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस प्रकार से मित्रों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आप ये उपाय अपने जीवन में ज़रूर से आजमा कर देखिएगा। इससे आपको 101% ज़रूर से लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको इस वीडियो में ये एक माता लक्ष्मी का अचूक महा उपाय बताया है। इसे आप ज़रूर से आजमाएं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरे वीडियो का आपको लाभ मिल सके। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।